दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक बार फिर चमक उठे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों अपनी पारी के दौरान 40 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली और एक दोस्तों ताकतवर बैटिंग हम लोगों को इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की बैट से देखने को मिली। यहां पर दोस्तों विराट कोहली जैसे बल्लेबाज क्रीज पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने नावाद तो नहीं लेकिन दोस्तों 68 रन जरूर बनाए, वो भी 40 गेंदों पर। अकेले ने दोस्तों इतना संघर्ष किया और अपनी पारी के दौरान 3 छक्के और 6 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 170 का रहा। एक तरफ से दोस्तों विकेट झड़ते जा रहे थे लेकिन सूर्य कुमार यादव क्रीज पर खड़े रहे। मैं आप लोगों को बता दें रोहित शर्मा और केएल राहुल एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। विराट कोहली भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। दीपक हुडा इस मैच में अक्षर पटेल की जगह खेल रहे थे, वह 0 पर आउट हुए और हार्दिक पंड्या 2 रन बनाकर। दिनेश कार्तिक भी फ्लॉप रहे दोस्तों इस मैच में, वह 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी बल्लेबाज इस मैच में रन नहीं बना पाया। सूर्य कुमार यादव ने 68 रन बनाए 40 गेंदों में, 6 चौके और 3 छक्के लगाए और 170 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। केएल राहुल मात्र 9 रन बनाकर और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल को दोस्तों अगले मैच में मौका मिलेगा या नहीं इसके बारे में आप लोग हमारी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और भी ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।